कौन कौन आ गया? ये वाला समझ में आ गया? राइजोबियम, फ्लेवोनॉइड, बैक्टेरियल डिफरेंशिएशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, इन्वेजन आकर थ्रू इन्फेक्शन ट्यूब, नोन फैक्टर। ये तो क्लियर हो गया अपना। रूट हेयर सेल विद लेक्टिन्स, लेक्टिन होते हैं यहाँ पे। शुगर का क्या नाम है? फ्लेवोनॉइड का लेक्टिन्स। ठीक है, और यहां पे क्या हो रहा है? राइजो एडिशन। हेलो सर, सुन रहे हैं, बोलो। राइजोबियम विद राइक एडिसिन, राइक एडिसिन एक स्पेशल नाम सुन लो नया, राइक एडिसिन। ठीक है ना, तो ये फ्लेवो फ्लेवोनॉइड है, लेक्टिन इंपॉर्टेंट है, लेक्टिन। रूट हेयर सेल के पास ये लेक्टिन होता है, फ्लेवोनॉइड तो अलग है, फ्लेवोनॉइड का नाम लेक्टिन नहीं है। फ्लेवोनॉइड इज सीक्रेटिंग एंड रूट हेयर कंटेन्स द लेक्टिन। नोन फैक्टर कौन सीक्रेट करता है, प्लांट या राइजोबियम? बोलो। राइजोबियम करता है, रेगुलेट प्लांट के साथ होता है। नोन फैक्टर राइजोबियम सीक्रेट करता है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, याद नहीं होता लोगों को, ये इंपॉर्टेंट है। नॉट जीन किसमें होता है? राइजोबियम में। राइजोबियम में नॉट जीन इंड्यूस कब होता है? जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच कर होता है तब। ठीक है, अब ये डिटेल स्ट्रक्चर है, देखो। रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट, एक नया टर्म यहाँ पे आया है, राइक एडेसिन। दिस इज राइजोबियल सेल, दिस इज द रूट हेयर स्ट्रक्चर, एक्सक्रीशन एंड नॉट फैक्टर बाय बैक्टीरियम कॉजिंग रूट हेयर कर्लिंग, इन्वेजन राइजोबिया पेनिट्रेट रूट हेयर एंड मल्टीप्लाई विद इन इन्फेक्शन थ्रेट, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ राइकेडेसिन मेडिएटेड जीन ट्रांसफर, सॉरी राइकेडेसिन मेडिएटेड। रिकॉग्निशन अटैचमेंट की बात हो रही सिर्फ, राइकेडेसिन मेडिएटेड, लेक्टिन मेडिएटेड। ठीक है, वही चीज है बार बार, बैक्टेरियल स्टेट प्लांट से है ना, डिवीजन हो रही। इन्फेक्शन थ्रेड देख रहे हो कहाँ जा रही है? सीधे कॉर्टेक्स में जा रही है, कॉर्टेक्स जोन में। ठीक है ना, और ये एरिया पूरा डिवाइड करने लगेगा, अच्छे से डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, और यहीं पे क्या हो जाएगा? स्वेलिंग हो जाएगी, ये सारे सेल डाइजेस्ट हो जाएंगे, और ये देखो बन गया नोड्यूल। नोड्यूल क्लियर हो रहा है? यस सर। इन्फेक्शन थ्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया बैक्टेरियाइड का तुम पूछ रहे थे ना, डिफरेंस क्या है बैक्टीरिया और बैक्टेरियाइड में? बैक्टीरिया ऐसे देखो ट्राइपॉड है, ठीक है ना, और ये बैक्टीरिया है। एनलार्जमेंट ऑफ द नोड्यूल, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तीनों फंक्शन है। क्या क्या फंक्शन है? नोड्यूल का बनना ऐसे याद रखो फर्स्ट, देन नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड देन एक्सचेंज ऑफ बैक्टीरियाइड कार्बन नाइट्रोजन। हाँ, यहां से आएगा कार्बन और ये जाएगा नाइट्रोजन। ये ज्यादा अच्छा है सर कंसेप्ट के लिए, कार्बन नाइट्रोजन। हाँ, कार्बन नाइट्रोजन बहुत बढ़िया, ये तो तुम्हें बहुत ही अच्छा लगा होगा आज कार्बन नाइट्रोजन। ठीक है, व्हाट इज पीबीएम? पीबीएम पीबीएम प्री बैक्टीरियाइड मेम्ब्रेन, PBM प्री बैक्टीरियाइड
मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो अगर पीबीएम अगर वो बैक्टेरॉइड बने हैं, ठीक है, तो पीबीएम भी बनेगा, पीबीएम बनेगा, देन इट विल एक्टिवेट होस्ट डिफेंस, होस्ट डिफेंस, ठीक है। और पीबीएम नहीं बना तो होस्ट डिफेंस भी एक्टिवेट नहीं होगा, कोई भी इन्फेक्शन मतलब हो सकता है। ठीक है, एक लाइन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, ब्रांच इन्फेक्शन थ्रेड एंटर द नोड्यूल वाया विच जोन, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट जोन, जिससे वो एंटर करते हैं, जोन इज कॉल्ड एज अ प्रीमॉर्डियम जोन, प्रीमॉर्डियम जोन, ये पूछ सकते हैं सर पेपर में। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, प्रीमॉर्डियम जोन है जिसके थ्रू एंटर करते हैं, और जब एंटर कर जाते हैं देन दे फॉर्म प्री बैक्टेरॉइड मेम्ब्रेन, दैट इज स्पेशल मेम्ब्रेन ओवर द बैक्टेरॉइड्स। अब जो भी इंफेक्टेड रूट होगी वो क्या करेगी, पहले स्वेलिंग हो जाएगी उसमें और डिवीजन स्टॉप्ड। ये सिम्टम पूछ सकते हैं, व्हाट इज द सिम्टम ऑफ इंफेक्शन, तो इंफेक्टेड रूट ऑलवेज स्वेलिंग, सीज डिवीजन, एंड बैक्टीरिया विद इन स्वेलन सेल चेंज फॉर्म टू बिकम, ये देखो एंडोसिम्बियंट इसके पहले नहीं थे, एंडोसिम्बियंट करने के लिए बैक्टीरियाइट्स में कन्वर्ट हो गया, बैक्टीरियाइट्स में कन्वर्ट होंगे, केवल बैक्टीरियाइड फॉर्म में वो नाइट्रोजन फिक्स कर पाएंगे, किसी और फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकते, राइजोबिया कर ही नहीं सकता जब तक कि वो कन्वर्ट ना हो जाए बैक्टीरियाइड फॉर्म में, ठीक है ना। व्हाट इज द लेग हेमोग्लोबिन, दिस इज अ ऑक्सीजन चैम्बर, लेग हेमोग्लोबिन इज ए ऑक्सीजन चैम्बर, और लेग हेमोग्लोबिन का जो मेन फंक्शन नजर आया, that is the transport of reduced nitrogen metabolite from bacteroid to the plant vascular system and reverse photosynthesis from host plant to bacteroid, yani carbon idhar nitrogen udhar, to ye leg hemoglobin ka function hai, this is the function of leg hemoglobin, तो ऐसे नहीं बोल रही थी, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है अभी, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, आजाद को समझ में आ जाए तो फिर सबको समझ में आ जाए। आर पाली आजाद, आजाद थे कि नहीं क्लास में? हेलो, हाँ आजाद है क्लास में, सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है पूरा प्लांट, चलो तो इससे भी अच्छा लेक्चर दिखा देता हूँ। अब ये देखो बैक्टेरॉइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये देखो दिखाई दे रहा है, ये है बैक्टेरॉइड का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये बैक्टेरॉइड, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड टू द अमोनिया, अमोनिया इज एक्रिटेड आउट इन फॉर्म ऑफ अमोनियम और अमाइनो एसिड, जो कह रहे हैं ना अमीनो एसिड की बायोसिंथेसिस कैसे होती है, ठीक है, तो वो अमोनियम से होगी अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन, ठीक है, अमोनियम नहीं अमोनिया बनेगा, नो अमाइनो एसिड, और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो एटीपी आ रही है वो कहां से आ रही है, माइलेट से, ये दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द पीबीएम, व्हाट इज पीबीएम, तो ये पीबीएम देख रहे हो एक्स्ट्रा लेयर जो बनी है इसके ऊपर, बैक्टेरॉइड के ऊपर एक्स्ट्रा लेयर बनी है, देखो, ठीक है,
this extra layer is called as the peribacteroid membrane. ठीक है, and peribacterial membrane contain various transporter, nitrate chloride, पानी दिए अभी कहने पे भी नहीं दिए गजब. आयरन ठीक है, एंड देन इधर क्या है भाई एटीपी ठीक है ना, एटीपी हाइड्रोजन आर आर डेर सारा है. तो हाइड्रोजन भी तो आना चाहिए फिर, तब ना होगा ये काम इसका. तो पेरीबैक्टेरियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसका फंक्शन क्लियर हो गया. यस सर. है ना, कार्बन नाइट्रोजन एक्सचेंज इसी में होगा ठीक है ना, बैक्टेरियोइड स्टेज में. बैक्टेरियोइड इज कवर्ड बाय द पेरीबैक्टेरियोइड, पेरीबैक्टेरियोइड होगा तो डिफेंस मिलेगा है ना. ये है देखो बैक्टेरियोइड का स्ट्रक्चर, ये आप किसी बुक में भी ढूंढोगे तो जल्दी नहीं मिलेगा, ये रिसर्च पेपर से लिया ठीक है. मैं चैलेंज कर सकता हूँ जितने कोचिंग में पढ़ा रहे हैं ना, आप उनसे पूछो, कोई नहीं बता पाएगा ये कॉन्सेप्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन का, इतने डेप्थ में कोई पढ़ाता ही नहीं ठीक है. तो फोटोसिंथेसिस से क्या मिल रहा है, सुगर, सुगर से मैलिक एसिड, मैलिक एसिड अंदर आ रहा है सक्सिनेट मैलेट फ्यूमरेट के फॉर्म में, वो जा रहा है टीसीए साइकिल में, टीसीए साइकिल से निकल रही है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए ठीक है. एंड देन ऑक्सीजन विल कन्वर्टेड इनटू द वाटर ओके. अब ये एटीपी पावर कर रही है नाइट्रोजनेज को इन कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया, देन अमोनिया टू अमाइनो एसिड ठीक है. ये अमोनिया इफ दे आर कमिंग आउट ऑफ द बैक्टेरियोइड, दे आर कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ एमाइड्स एंड यूराइड्स ठीक है. एमाइड एंड यूराइड आर यूज्ड बाय द प्लांट्स, अमाइनो एसिड कैनॉट बी यूज्ड बाय द प्लांट्स, नो यूज फॉर प्लांट, ये स्टोर सिर्फ होते हैं. लेकिन अमाइड एंड यूराइड्स आर यूज्ड बाय द प्लांट. तो ये पूछ सकता है कि अमाइनो एसिड के सिमिलर स्ट्रक्चर कौन सा प्लांट में बनता है जिसको कि प्लांट यूज करता है अपने लिए, वो है एमाइड एंड यूराइड ठीक है. और ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेग हेमोग्लोबिन, तो लेग हेमोग्लोबिन स्टोर्स ऑक्सीजन दैट एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा तो एटीपी ज्यादा बनेगी ठीक है. और ये उस जोन में नहीं है जहां पे कि नाइट्रोजनेज है, ये बाहर वाले जोन में ना, नाइट्रोजनेज तो सेंट्रल जोन में है तो वहां पे कोई फर्क इसका नहीं पड़ रहा है क्लियर. व्हाट इज द सिम्बियोसोम मेम्ब्रेन, सिम्बियोसोम मेम्ब्रेन, सिम्बियोसोम मेम्ब्रेन वही उसी को जो नाम दिया था ना, क्या नाम दिया था, व्हाट इज द नेम ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टेरियोइड, प्री बैक्टीरियम मेम्ब्रेन पीबीएम ठीक है ना. दिस बैक्टेरियल मेम्ब्रेन, आउटर बैक्टेरियल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द सिम्बियोसोम मेम्ब्रेन, ये आउटर हो गया, आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द सिम्बियोसोम मेम्ब्रेन, सिम्बियोसोम मेम्ब्रेन ठीक है. कौन कौन से नॉट जीन होते हैं, कितने, फोर क्लास, नॉट डी ए बी सी,
इसको कहते हैं नॉट जीन्स, एक होता है एचएसएन जीन, होस्ट स्पेसिफिक नॉट जीन, अदर नॉट जीन, ठीक है। तो इनको पहचाना गया है बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टर म्यूटेजेंसिस, डीएनए सीक्वेंसिंग एंड प्रोटीन एनालिसिस। सो म्यूटेशन इन दी जीन ब्लॉक नोड्यूल फॉर्मेशन, नोड्यूल फॉर्मेशन को ही रोक देते हैं। तो यह है जीन क्लस्टर। नॉल, नॉल क्या होता है? व्हाट इज नॉल? नॉल मींस नॉड लोकस जीन, नॉल, नॉड लोकस जीन। तो ये ब्लू वाला है नॉल और रेड वाला है नॉड, नॉड और नॉड के बगल में है निफ, निफ के बगल में है फिक्स, फिक्स नॉल नॉड निफ फिक्स। गाना बना लो इसका, नारे नारे नारे, नॉल नॉड निफ फिक्स, फिक्स नॉल नॉड निफ फिक्स, नॉल नॉड निफ फिक्स। किसका लैपटॉप में चली जा रहा है, चली जा रहा है व्हाट्सएप? टन टन म्यूट कर लो। ठीक है जी, तो ये आपको कंपोजिशन बता दिया। नॉट डी इज अ सेंसर जी, ठीक है ना, इसके बारे में कल बहुत चर्चा हुई थी पर फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट दिमाग में रहे, बुक ना पढ़ना पड़े। तो ये फ्लेवोनोन का नाम क्या है? नारिन जेनिन, नारिन जेनिन। ठीक है, so how this not gene is activated? So there is a regulon. What is regulon? सारे जो ऑपेरॉन होंगे उसको क्या कहेंगे? रेगुलॉन, बिकॉज दे आर रेगुलेटेड, है ना, दे आर रेगुलेटेड, दे आर जी एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड regulons, and that is activated by the regulon is regulated by the flavonoids. तो ये देखो नॉट एम आया, फिर नॉट सी, फिर नॉट बी, नॉट फैक्टर आर ग्रुप डिटरमाइन, ये पूछ सकता है नॉट फैक्टर, विच नॉट फैक्टर डिटरमाइन होस्ट स्पेसिफिसिटी, यानी कन्फर्म मैच कौन कराता है, है ना, मैच कौन कराता है, तो वो नॉट फैक्टर आर है। नॉट फैक्टर इज ए पॉली लाइपो, पॉली लाइपो ओलिगोसैकेराइड, दिस इज ए नॉट कंप्लीटली ओलिगोसैकेराइड नहीं है, दिस इज ए लाइपो, लाइपो ओलिगोसैकेराइड। म्यूटेशन इन नॉट एबीसी विल कॉज कंप्लीट disability of bacteria to nodulate the host gene, ठीक है ना, because they are part of the node gene regulon in all rhizobia, and product of all the gene are required for bacterial induction of root cell hair deformation and root cortical cell division. तो ये node ABC साथ में होना चाहिए अगर nodulation कराना चाहते हो, क्योंकि host specific भी है, recognition भी है। And this node factor is what? Node factor is actually lipo-oligosaccharide, and this lipo-oligosaccharide is get modified. That is called the special modification is needed to act as their signaling molecule. So what is the name of the signaling molecule? Acylated beta 1,4 oligosaccharide glucosamine. तो ग्लूकोसामीन एसाइलेटेड, एसाइलेशन पूछ सकता है कौन से रिएक्शन एसाइलेशन, इतना डिटेल नहीं जाएंगे।
नॉट एच फंक्शन, होस्ट स्पेसिफिक नॉट चेंज होती है, नॉट आर एंड नॉट एच, तो अगर इनका लॉस करते हैं देन व्हाट विल हैपन, तो होस्ट स्पेसिफिक नॉट एच लॉस इन आर मेलियोरिटी रिजल्ट्स इन सिंथेसिस ऑफ ए नॉट फैक्टर दैट इज नो लॉन्गर इफेक्टिव ऑन रिकॉग्नाइजिंग द सेम प्लांट्स, जो प्लांट्स को पहचानते थे पहले अब पहचानना भी बंद कर दिया, ठीक है ना। चलो जी हो गया रिसर्च। चलो ये पढ़ लेना तुम लोग, ये है नॉड का डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, नॉड डी नॉड एफ ई एल एम, और इसके बगल में है निफ जीन, ये डायरेक्शन नॉट ए बी सी टी जे, तो दोनों साइड निफ जीन है, और ये है डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक तरफ नॉट का और ये दूसरी तरफ है। तो नॉट एच का फंक्शन कहाँ देखा, नॉट एच कहीं लिखा हुआ है, इस पे नहीं है, कहीं और है वो, नॉट एच निफ जीन, निफ जीन क्या करता है नाइट्रोजनेज, तो बहुत सारे जीन है, टोटल 17 है ऐसे याद रखना, हाउ मेनी ऑफ देर आर 17 सच जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजनेज। चलो फिक्स की बात हो रही है, निफ जीन नहीं है ये फिक्स जीन है ना, नॉट नॉल नॉट निफ और फिक्स, सारे चले गए क्या कि सो गए? नहीं सर, अकेले सो गए। अच्छा यस सर, हाँ ये फिक्स जीन की बात हो रही है, ठीक है ना, ये फंक्शनल नाइट्रोजन फिक्सेशन की फंक्शनल मॉड्यूल को एक्टिव करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ फिक्स जीन इज एसेंशियल, तो ये खास करके फिक्स जीन सब में नहीं होती है, ये स्पेशली दे हैव बीन रिपोर्टेड इन द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फ्री लिविंग, ठीक है ना। तो फिक्स जीन का काम क्या है, दे सेंसेस ऑक्सीजन लेवल, at low oxygen tension what happens, fix cell act as a kinase, ठीक है, and this kinase and one other gene fix j regulate expression of two more transcription regulator nif a fix k, nif a this occurring upstream of nif and some fix gene and fix k regulator of fix n another oxygen sensor, the oxygen sensor hai kon kon, fix l or fix n, fix l or n, theek hai, ye supply diya ho gaya, teen hai circle nitrogen ke, ammonification nitrification denitrification, nitrogen to ammonium and then ammonia to nitrite then nitrate nitrate, अभी इस एंजाइम का नाम पूछा है, इस एंजाइम का क्या नाम है जो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एंजाइम, नाइट्राइट रिडक्टेज, ठीक है, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में जो कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट रिडक्टेज, ये नाइट्राइट रिडक्टेज, ठीक है, और डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, NO3 को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना, सो अमोनिया दस फॉर्म रिजल्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन इज यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, सो अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, तो ये खत्म हो गया सर, यह नाइट्रेट बैक करना, बैक करना एक से चाहिए नोट करना, बता तो चुका हूं ये
नाइट्रेट इज प्री डोमिनेंट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन. अच्छा यस यस हो गया. ठीक है. नाइट्रेट रिडक्टेज इसका काम क्या है ये पूछेगा. नाइट्रेट एसिमिलेशन या कन्वर्जन ऑफ एनओ थ्री इंटू एनओ टू ये पूछ सकता है. एन ए थ्री इंटू एनओ टू विद द हेल्प ऑफ एन ए डी. नाइट्रेट रिडक्टेज में कौन सा कोफैक्टर होता है तो इसमें होता है आयरन मॉलिब्डेनम FeMO ठीक है अलोंग विद FAD कोफैक्टर ठीक है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. तो नाइट्राइट रिडक्शन ऑकर्स इन द हाँ ये प्लेस पूछा हुआ है सीएसआर में ये प्लेस पूछा है. नाइट्राइट रिडक्शन ऑकर इन द लीव्स और रूट और बोथ बोलो. तो नाइट्राइट रिडक्शन ऑकर इन बोथ लीव्स एज वेल एज रूट ठीक है. नाइट्राइट रिडक्टेज का फॉर्मूला क्या है Fe4S4. Now what is ammonium assimilation? When ammonium is converted into amino acid, this is called as ammonium assimilation. So amino acid conversion occurs by sequential action of glutamine synthase and glutamase synthase. Ye yaad rakhna. Glutamine synthesis एक तो ये है दूसरा है ग्लूटामेट सिंथेसिस. ग्लूटामेट सिंथेसिस तो हो गया. निवजिन तो हो गया है ना. निवजिन के बारे में कुछ और जानना है. निवजिन अभी हुआ ही नहीं एक्चुअल में. निवजिन पूरा एक दिन लगाएगा सर बहुत बड़ा है वो. अरे इतना लंबे में नहीं जाना है हमें. मेन काम करना है ठीक है ना. तो एक तो एक जान लो कि निवजिन इज कोडिंग नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स ये तो क्लियर है ठीक है ना. नाउ निवजिन आल्सो एनकोड ए नंबर ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन दैट इज इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो निवजिन आर फाउंड इन बोथ फ्री लिविंग एज वेल एज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एज वेल एज इन सिम्बियोटिक बैक्टीरिया ठीक है. सब में पाया जाएगा निवजिन. तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल दो कि निवजिन लोकलाइज है या कहीं फिक्स है सब जगह पाया जाएगा. अब सवाल ये उठता है इनको रेगुलेट कौन करता है. इनको रेगुलेट करने वाले हैं नाइट्रोजन ठीक है. सो वेन देर इज नो नाइट्रोजन देन ओनली NTRC दिस इज ए रेगुलॉन. NTRC इज ए रेगुलॉन दैट सेंसेस सेंसर है. रेगुलॉन मतलब सेंसर है यानी बच्चा बीमार पड़ेगा फिर दवा देंगे पैरासिटामोल बुखार आएगा तो ये थर्मामीटर ने सेंस कर लिया है. ये थर्मामीटर का काम है. इसने सेंस कर लिया कि नाइट्रोजन नहीं है देन व्हाट विल हैपन इट ट्रिगर्स निफ ए एक्सप्रेशन ठीक है. माने डॉक्टर ने क्या लिखा टेबलेट लिखा है. ये टेबलेट है लिया नहीं है टेबलेट ये टेबलेट है. टेबलेट का नाम क्या है पैरासिटामोल. पैरासिटामोल गए खरीदने निफ ए एक्टिवेट रेस्ट ऑफ द निफ जीन. पैरासिटामोल खरीद के ले आए अब खिलाना बाकी है ठीक है ना. तो NTRC जे थर्मोमीटर बच्चा बीमार है डॉक्टर ने लिख दिया दवा निफ ए एक्टिवेट रेस्ट ऑफ द निफ जीन. अगर नाइट्रोजन है सफिशियंट अमाउंट में देन another protein is activated called as the NIF-L. What is called as NIF-L? NIF-L. तो अगर बुखार नहीं है तो दवा नहीं दी जाएगी. NIF-L.
ठीक है ना, तो निफेल बुखार ही नहीं है तो कोई भी डॉक्टर दवा नहीं लिखेगा, एंड दैट्स व्हाई इनहिबिशन ऑफ नाइट्रोजनेज फॉर्मेशन, ठीक है ओके. तो ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन सा FeMOCO बी, ये क्या करता है, ये प्रोडक्ट एक्टिवेट ऑल अदर ऑपरेशन, एल बंद कर देगा, शट डाउन कर देगा, एल एल सिस्टम को शट डाउन. KDH, H कोड फॉर आयरन प्रोटीन, D MOFE, K MOFE, ठीक है. तो ये है इसका सीक्वेंसिंग. तो NTR, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ NTR, नाइट्रोजन रेगुलेटरी जीन. सारी जीन को कौन एक्टिवेट करता है, निफ ए, और सारी जीन को बंद कौन करता है, निफ एल, ठीक है. निफ ए को कौन एक्टिवेट करता है, सारे निफ को, ए, ए फॉर एक्टिवेट, ठीक है. और सबको शट डाउन कौन करता है, निफ एल, निफ एल, एल का मतलब निफ लुच्चे लफंगे, ठीक है. ये बंद कर देंगे सारा सिस्टम. पढ़ा लिखा इंसान रहेगा तो अच्छी चीज करेगा, नालायक रहेगा तो निफेल मतलब नालायक, ठीक है, लुच्चा लफंगा. तो NTR क्या है, दिस इज थर्मामीटर, ठीक है, दिस इज ए थर्मामीटर. याद हो गया ना अच्छे से, टोटल कितने जीन है, 17. और ये पॉलीसिस्टोनिक एक मोनोसिस्टोनिक पॉलीसिस्टोनिक, कितने ऑपेरॉन्स होते हैं, 8, 7 to 8. अब NTR मान लो नाइट्रोजन नहीं है तो कौन सी जीन एक्टिवेट होगी, निफ ए. NTR एक्टिवेट जाएगी, NTR एक्टिवेट करेगी निफ ए को, एल. तो NTR ए इज ए फैक्टर ऑफ RNA पॉलीमरेज जो कि बाइंड करेगा. तो NTR ए अलाउ RNA पॉलीमरेज टू बाइंड निफ प्रोमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन. तो ये पूछ सकता है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट कैसे हो रहा है, द हेल्प ऑफ RNA पॉलीमरेज प्लस NTR ए, ठीक है. फिर NTR बी फंक्शन इज बोथ प्रोटीन काइनेज एंड फॉस्फेटेज, ठीक है. तो काइनेज और फॉस्फेटेज एक्टिविटी डिटरमाइन फर्दर एक्शन अंडर स्टार्वेशन कंडीशन, ये पूछ सकता है. स्टार्वेशन कंडीशन मतलब नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है. तो यही NTR सी एक्टिवेटर हो जाएगा. तो NTR कितने तरह का है, NTR ए, NTR बी, NTR सी, ठीक है, ठीक है ना. तो सारे बस का ड्राइवर कौन है, NTR ए. NTR ए है तो NTR बी, NTR सी सारे एक्टिव हो जाएंगे, है ना. निफ एल शट डाउन कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा. ठीक है. और हेट्रोसिस्ट बनने के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है, दैट इज निफ एच, निफ डी, निफ के क्लस्टर, एच डी के, एच डी के टी भी आ रही है आजकल, निफ एच डी के. तो निफ के बीच में होता है, ये पूछ सकता है आपको कि निफ एच डी के में जीन बीच में कौन सा है, तो के बीच में है और उसके किनारे H, इसके किनारे D, तो एच के डी हो गया. एच डी के लिखते जरूर है लेकिन K जो है
सेपरेटेड फ्रॉम द जीन निफ डी एंड निफ आई. और मैं इसके स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ फिर पता चलेगा आपको. एच डी के डी बीच में है, ठीक है ना. कौन से जीन बीच में पूछा जाता है. एच डी के, एच डी के कोड किसको कर रहा है, एमओ एफ ओ प्रोटीन, ठीक है. हाँ, एच स्पेशली आयरन बना रहा है और डी और के एमओ एफ ओ प्रोटीन, डी और के, ठीक है. ये रेगुलेटर है ला, लाल बत्ती हरी बत्ती, सड़क पे दौड़ रही है गाड़ी, ठीक है. तो इन द एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड क्या होगा, थर्मामीटर सेंस कर लिया कि नाइट्रोजन नहीं है, यानी बुखार है, ठीक है. अब नाइटर सी, एक्टिवेट नाइटर सी इन द प्रेजेंस ऑफ नाइटर बी, फिर नाइटर बी साइड नाइटर ए, निफ एल ए ओकरा. अब निफ का स्ट्रक्चरल जीन एक्टिवेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ सिग्मा 54. हमेशा आएगा ये पूछा हुआ है सर क्वेश्चन, कौन सा सिग्मा पहचानता है निटर ए को, तो वो सिग्मा कौन सा है, 54. तो नाइट्रोजन प्रेजेंट, नो ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है. और अगर नाइट्रोजन एब्सेंट तो देयर विल बी फास्फोरिलेशन ऑफ नाइटर बी फास्फोलेट नाइट्रोजन सी विच एक्टिवेट आरएनए पॉलीमरेज. अब आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है. नाइट्रोजन मेजर कैसे करते हैं, एसिटिल रिडक्शन ऐसे, या हाइड्रोजन इवोल्यूशन ऐसे, ठीक है. हाइड्रोजन इवोल्यूशन ऐसे, या एक और नई टेक्निक है आइसोटोप ऐसे. ये करेक्ट सिग्नल तो ये बन रहा है, इनकरेक्ट सिग्नल है तो ये थ्रेड ये नहीं बन रहा है, ठीक है. कॉल्स नहीं बन, हाँ. बैक्टेरियाइड का बनना बहुत जरूरी है, कल पढ़ाएंगे नाइट्रेट एसिमिलेशन. टेरिन क्या होता है, व्हाट इज टेरिन, टेरिन नाइट्रेट रिडक्टेज का ही नाम है, ये पता है. नाइट्रेट रिडक्टेज इज आल्सो कॉल्ड एज अ टेरिन. साइट हमेशा याद रखना, कोई भी रिएक्शन हो रही है तो कहां हो रही है, लोकेशन पे बहुत क्वेश्चन है, ठीक है. नाइट्रेट कहां कहां पाया जाता है, रूट हेयर लीफ सब जगह पाया जाता है. अच्छा ये ग्राफ क्या शो करता है बताओ, ये ग्राफ पूछा जा सकता है सीएसआर, ये बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है. दिस एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू स्टिमुलेशन ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज एक्टिविटी फॉलोड बाय द इंडक्शन ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज एमआरएनए इन सूट एंड रूट ऑफ बार्ली, ठीक है ना. तो सूट में है और रूट में भी है, देख रहे हो, सूट और रूट दोनों के एमआरएनए बढ़ रहा है, दोनों के एमआरएनए जब हाई है तो रेड कलर क्या है, सूट नाइट्रेट रिडक्टेज, और ये वाला है रूट नाइट्रेट रिडक्टेज. तो रूट के कंपेयर में सूट वाला ज्यादा एक्सप्रेस हुआ, चलो ये सब पढ़ा ही दिया, फिर नाइट्रेट नाइट्राइड हमने सेलिब्रेशन में पढ़ा दिया. सर ध्यान में रखने के लिए अच्छा है, रूट नीचे होता है इसलिए कम है, शूट ऊपर हो जाता है इसलिए शूट का ज्यादा, हाँ रीडिंग है, हाँ. अच्छा ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन है व्हिच टू एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ अमोनियम टू अमाइनो एसिड. ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है,
NH4 को कौन से दो एंजाइम